लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं और अब तक 6 राज्यों का चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बात उनके साथ ही बन रही है जो पहले से कांग्रेस के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नवीन पटनायक ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार का ऑफर ठुकरा दिया। नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि वे थर्ड फ्रंट या गैर बीजेपी दलों के साथ साझा राजनीतिक मंच पर शामिल नहीं होंगे। नवीन पटनायक ने कहा कि बीजू जनता दल अगले साल होने वाले ओडिशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी और हाल ही में नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। सोरेन से मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा था कि हमारी बातचीत एकजुट विपक्ष को लेकर केंद्रित रही। इससे पहले नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, टीएमसी की नेता ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने मुंबई में एनसीपी नेता शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए हुए है, इसलिए जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बीजेडी के तीसरे मोर्चे में शामिल होने की कोई संभावना है, इस पर सीएम ने जवाब दिया कि नहीं, जहां तक मेरा संबंध है, नहीं, अभी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात पर सीएम पटनायक ने कहा कि उन्होंने ओडिशा की मांगों के संबंध में मुद्दों पर चर्चा की है, न कि किसी राजनीतिक मामले पर। सीएम पटनायक ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान अन्य राजनीतिक नेताओं से किसी भी तरह की मुलाकात से इनकार किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पटनायक का तीसरे मोर्चे में शामिल होने से इनकार करना अहम हो गया है। उन्होंने मार्च में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बातचीत की थी। साल 2009 में बीजद बीजेपी गठबंधन सरकार के टूटने के बाद नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखी। साथ ही बीजद ने राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने के लिए ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। क्षेत्रीय पार्टी का कहना है कि उसका ध्यान ओडिशा और उसके लोगों के हितों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।